नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश परिहार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे राजेश परिहार ब्लॉग पे। और मैं आ गया हूं ये उत्तराखाट, ये है छठ घाट। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाया था कि इस लहलहाती पानी में जो है, इस धारा प्रवाह पानी में और स्वच्छ पानी में छठ पूजा करना चाहिए। ये शुद्ध होता है क्योंकि इतना पाक साफ पर्व है जिसमें कि आदमी बहुत नियम पूर्वक निष्ठा पूर्वक पर्व को करता है। और फिर नाला जैसे नदी में जाके पूजा करना, ये हमको सही नहीं लगता है। बाकी आस्था का महापर्व है, लोगों की अपनी इच्छा, उस हिसाब से कर किया जाता है। लोग घर पे भी गड्ढा खोद कर पानी डालकर कर सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पानी है, पानी दिखाया जा कैमरा में। यहाँ जो पूजा होगा ना, ये एक श्रद्धापूर्वक होगा। लोग डुबकी भी लगाएगा माँ गंगा का नाम लेकर, और श्रद्धापूर्वक ये पूजा होगा। तो मैंने पिछले साल ही ये तय कर लिया था कि मुझे पूजा यहीं करना है, तो मैं यहीं पा कर किया। और दोस्तों आपसे भी आग्रह है कि स्वच्छ जगह, क्योंकि पाक बहुत ही पवित्र पर्व है हम लोग का छठ पूजा। और आप लोग भी पवित्रता के साथ साथ पूजा को कीजिए और साफ जगह में पूजा कीजिए। हो सके तो अपने घर पे कीजिए, मानते हैं आस्था का महापर्व है और घाट पे जाना चाहिए। तो घाट स्वच्छ होना चाहिए इस तरह, ना कि रमजान नदी के तरह। और हम लोग को रमजान नदी बचाओ अभियान में शामिल होकर उसको भी इस तरह का धारा प्रवाह नदी बनाना चाहिए। हम लोग अगर आगे आएंगे तो वो भी हम लोग का नदी जो है वो साफ होगा, स्वच्छ होगा, सुथरा होगा। लेकिन रमजान नदी नदी नहीं है, क्योंकि सारा जो नाला का पानी है रमजान नदी में ही जाता है। तो वो कैसे पूजा लायक है जगह, किस तरह होगा, है कि नहीं भाई, क्या है कि नहीं, बोलिए, सही बात है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, राजेश परिहार ब्लॉग के साथ। धन्यवाद। जय छठी मैया।